गाड़ी को लात मार रही है बार बार, ये हलाल पे सब ने हलाल ये बहस मुबाहिसा और तू तू मैं किसी घर मकान या मोहल्ले में नहीं हो रही है, बल्कि ज़िला पुंछ के शहर ख़ास में पुलिस थाना पुंछ के करीब चौक में ट्रैफिक पुलिस और आवाम के बीच कहा सुनी का मामला चल रहा है। ट्रैफिक पुलिस की माने तो उन्होंने एक मोटरसाइकिल सवार को रोका और उसके पास जब ज़रूरी कागजात नहीं थे तो उनकी जानिब से उसे कोर्ट चलान किया गया। बाद अज़ां इस शख्स ने पुलिस को धमकियां देनी शुरू कर दी और ट्रैफिक पुलिस अहलकारान के साथ सख्त बदतमीज़ी की। वहीं अगर आवाम की बात मानी जाए और इस शख्स की जो ये बोल रहा तो इसका कहना है कि ट्रैफिक पुलिस के एक अहलकार ने उसे लात मार दी, जिसके बाद इन लोगों को गुस्सा आ गया। अब ट्रैफिक पुलिस के सीनियर अधिकारी की मौजूदगी में पुलिस स्टेशन के करीब एक नाका लगाया जाता है, जहां पर ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। वहीं इस तरह की कहासुनी तो में और बहस का आखिर मकसद क्या है, आवाम सही है या फिर ट्रैफिक पुलिस? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। पहले आप ये पूरी वीडियो देखिए और इन लोगों के तासुरात सुनिए, उसके बाद आपको सुनवाएंगे ट्रैफिक पुलिस का पक्ष। गाड़ी को लात मार रही है बार बार, ये हलाल पे सब ने हलाल को टांग कैसे मारी आपने? जल्दी गाड़ी को लात क्यों मार रही है? ये हलाल पे नहीं लगा, ये हलाल पे क्यों मार रही है? बहुत मेहनत किया आपने, उसको ये घर बहुत मेहनत किया आपने, चलान निकाल दिया आपको, चलान मार रहा है गाड़ी को लात मार रही है कैसे मार रही है? तुझे कौन होता है गाड़ी को लात मार रही है? ये तेरे जैसे हराम छोड़ दे चल यार, मैं कसम हटो चलो आगे जुड़ी आना चलान कट तू बाद इन बंद गड्डी की लत मारी और असा की धिक्के मारने शुरू किए। ये जड़ी है फौज इन्हें धिक्के मारे असगी और चलान कट तू बाद इसका क्या इशू है सर? इसका क्या इशू है? सर मैं सामने की बात है, ये बंदे देखिए गुंडा गति मत किया करो बार बार, ये बार बार गुंडा गति मत किया करो, गेंद की तरफ से गुंडा कर दिए बार बार करते, अधिकारी को ऐसे काम मार ले, मुझे बोले मैं तुझे उठा के खाने पर मुझे किस वजह ये देखें। हमने यहाँ हॉर्टिकल्चर चौक नाका लगाया हुआ है, डिफरेंट जगह हमारे नाके लगते हैं। अभी यहाँ से हम चलान कर रहे थे तो एक बाइक वाला आता है, उसको मेरे जो स्वेटनेट हैं जवान हैं रोकते हैं गाड़ी को, तो उसके कागज़ चेक किए जाते हैं, जो कि उसके पास एक आरसी थी और ना ही उस बंदे के पास लाइसेंस था, ना ही इंश्योरेंस था और ना ही पोल्यूशन था। तो उसको मैंने कोर्ट चलान भरा है, ये गाड़ी नंबर है JK12A5595, मोटरसाइकिल है ये, मेरे पास ये चलान है, मैंने इसको कोर्ट चलान किया है। तो मैं
जो है खलील अहमद, मैंने इसको चलान दिया, वो इसका लड़का था या कौन था वो वहाँ पे मोटरसाइकिल के पास खड़ा था और वहाँ पे मेरा जवान खड़ा था, उस जवान के साथ बदतमीजी की और मिसबिहेव किया और धमकियाँ दी कि ट्रैफिक वालों को मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसे वैसे कुछ उसने बहुत ज़्यादा बदतमीजी की है, तो मैंने उसको कोर्ट चलान दिया है। अगर वो इस किस्म की या उसके पास कागज़ पूरे हों तो हमने गलत चलान किया है तो वो कह सकता है, उसका हक बनता है। खान साहब, बीच में ये कहा गया कि हुआ कुछ इंसिडेंट नहीं, ऐसा कोई टांग वाला ऐसा कोई सीन नहीं हुआ है, वो तो उसने अपनी तरफ से, यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ कैमरों से पता चल जाएगा अगर उसने टांग मारी उसके बाइक को, तो वो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, वो उनको ये लगा कि हमारे मोटरसाइकिल को चलान किया गया है और उसने ये यहाँ पे इश्तवाल और धमकी वगैरह दी है मेरे जवानों को, लड़ाई पे आ गए कि आपने चलान कैसे किया है, आप कौन होते हो चलान करने वाले, हमारी दोबारा हमारी गाड़ी रोकी गई तो हम ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे, इस किस्म के जो उसने वर्ड यूज़ किए हैं, जो ये है खलील अहमद, इसी का बेटा है, इसी का बेटा जो जिसने ये इतनी बदतमीजी की, और इस खलील अहमद ने भी बहुत ज़्यादा बदतमीजी की है, यहाँ चौक यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, ऐसा कोई हमारी तरफ से कोई किसी किस्म का वो नहीं हुआ कि उसके मोटरसाइकिल को टांग मारी हो या लात मारी हो, इस किस्म का उसकी अपनी कमजोरियाँ थी, उसको उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इंश्योरेंस नहीं थी गाड़ी, पोल्यूशन नहीं थी, तो मैंने उसको कोर्ट चलान दिया।